पाठ योजना 11 यूपी डेलेट सेकेंड सेमेस्टर। सबसे ऊपर हेडिंग डालेंगे पाठ योजना 11, इधर लिखेंगे दिनांक, फिर डालेंगे कक्षा, फिर विषय, यहाँ पर उप विषय लिखेंगे, फिर चक्र और फिर अवधि। सबसे ऊपर हेडिंग रहेगी हमारी प्रकरण नाम से, इसमें लिखेंगे 6 से 10 तक गिनती। पहली हेडिंग रहेगी हमारी विशिष्ट उद्देश्य नाम से, विशिष्ट उद्देश्य डालेंगे हेडिंग, उसमें इन तीनों उद्देश्यों को जिस प्रकार लिखे हैं उसी प्रकार नोट कर देंगे। अगली हेडिंग रहेगी विशिष्ट उद्देश्य नाम की, इसमें लिखेंगे बच्चों को 6 से 10 तक गिनती लिखना सिखाना। नेक्स्ट हेडिंग हमारी होगी सहायक सामग्री नाम से, सहायक सामग्री इसमें लिखेंगे गोलियां, माचिस की तीलियां तथा अन्य श्यामपट्ट शिक्षण उपयोगी उपकरण आदि। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे पूर्व ज्ञान, इसमें लिखेंगे सभी बच्चों को 1 से 5 तक गिनतियों की सामान्य जानकारी है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी वह होगी प्रस्तावना प्रश्न नाम से, प्रस्तावना प्रश्न इसको 2 कॉलम में डिवाइड करेंगे, एक तरफ छात्रा अध्यापिका क्रियाएँ, दूसरी तरफ छात्र क्रियाएँ। इसमें 2 प्रश्न लिखेंगे, इनके इधर उत्तर लिखेंगे, फिर नीचे भी प्रश्न दिया गया है, इधर ये प्रश्न लिखेंगे, इसका इधर उत्तर लिख लेंगे। इतना काम कंप्लीट हो जाने के बाद हमारी जो अगली हेडिंग रहेगी वह रहेगी उद्देश्य कथन नाम से, उद्देश्य कथन हेडिंग डालेंगे, इसमें लिखेंगे बच्चों आज हम 6 से 10 तक की गिनतियों को अंकों में लिखना सीखेंगे। इतना काम कंप्लीट हो जाएगा। हमारी नेक्स्ट हेडिंग फिर पड़ेगी प्रस्तुतिकरण, इसको हम 3 कॉलम में डिवाइड करेंगे, शिक्षण बिंदु, छात्रा अध्यापिका क्रियाएँ और छात्र क्रियाएँ। इधर लिखेंगे 6 से 10 तक गिनतियाँ, उसके अगले कॉलम में इसको लिखेंगे, फिर इसको नेक्स्ट कॉलम में, फिर नीचे लिखेंगे इसको लिखेंगे, उसके अगले कॉलम में इसको, फिर उसके नीचे इसको जिस प्रकार लिखा है उसी प्रकार नोट कर लेंगे, उसके नीचे इसको नोट कर लेंगे जिस प्रकार लिखा हुआ है। अगला हमारा जो है प्रश्न वो होगा हेडिंग होगी बोधात्मक प्रश्न नाम से, उसमें हम लिखेंगे 6 तीलियाँ दिखाकर बच्चों ये कितनी तीलियाँ हैं, यहाँ पर उत्तर लिखेंगे, फिर नीचे ये प्रश्न पूछेंगे, फिर इसका उत्तर लिखेंगे, फिर इस प्रश्न को पूछेंगे, इसका उत्तर लिखेंगे। नेक्स्ट हमारी हेडिंग होगी श्यामपट्ट कार्य नाम से, इसके लिए हमें एक ब्लैक चार्ट चाहिए होगा, ब्लैक चार्ट का एक टुकड़ा इतना बड़ा काट कर अपनी फाइल पर चिपका देंगे, हॉट स्पार्कल की मदद से इन चित्रों को बनाकर इसी प्रकार से अपनी फाइल पर चिपका कर उस पर लिख देंगे, हॉट स्पार्कल की मदद से इन चित्रों को बना देंगे। नेक्स्ट हमारी हेडिंग होगी निरीक्षण कार्य, निरीक्षण कार्य में जिस प्रकार ये लिखा है इसी प्रकार लिख देंगे। और जब गृह कार्य जो हमारी लास्ट हेडिंग होगी, इसमें हम कहेंगे सभी बच्चों को बताई गई संख्याओं को अंकों में पुस्तिका में लिख कर लाना है, उनको लिखने के लिए नहीं कहना है बल्कि हमें उनको याद करने के लिए काम देना है कि जो है गिनतियाँ 1 से 10 तक जो है घर से याद करके आनी है, उनको हम कहेंगे घर से जो गिनतियाँ पढ़ाई गई हैं उनको रिवाइज करके आना है, तो उनको रिवाइज करने के लिए घर से बोलना है और वही यहाँ पर गृह कार्य देना है, बल्कि लिख कर लाने के लिए उन्हें नहीं कहना है। तो इस प्रकार से ये हमारा पाठ योजना 11 कंप्लीट होती है, पाठ योजना 12 हम नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर करेंगे। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक बटन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक, अपने फ्रेंड्स तक, व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक भी किया होगा और इसके साथ साथ वीडियो को शेयर भी किया होगा, और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन्होंने चैनल को भी सब्सक्राइब किया होगा तथा बेल आइकन को भी प्रेस किया होगा। तो दोस्तों इसी आशा के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।